पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजा जी के मौके में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहाँ डांट मारी, इन लोगों को मैंने लेकिन परिवार को बहुत मारकाट किया। प्रयास दिलाने की बजाय किसी परिवार को कोई तरह तुम्हारी गलती है और ये सम्मेलन चिंता है। पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं और भी किसान भी बैठे हैं, लेकिन और राजस्थान की कुंडी बेरी सरकार बैठ रहो उसे ने तो अनिता की परवाह थी, ने उन तमाम जो पीड़ित है राजस्थान के अंदर एक महीने के राजस्थान में चाहे बलात्कारी घटनाएं हुई, चाहे मर्डर हुए, चाहे बिजली घटनाएं, मैं तो भजनलाल को कोई मतलब नहीं, इनकी दुष्टी को कोई मतलब नहीं, ब्यूरोक्रेसी को जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ आए हैं ऐसा विलोम मतलब नहीं, जो सड़कों पर सरकार को लुटेंगे और सरकार को झुकाना भी जानते, कई बार झुकाए और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनिता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं, ये पीछे मुलजिम पुनीत आईडी है ना, वो लोग मिलकर इतना बड़ा काम किया, पुनीत पूरा गिरोह है और अनिता और इसके परिवार के पास उनके कई कई सबूत, ये ऑडियो वीडियो इसे निश्चित रूप से इनके पति के पास इनको अगर लेकर करेंगे तो इस देश और प्रदेश जाना जाएगा। कई ऐसे चेहरे जो अपने आप को बहुत ही सत्यवादी कहते हैं वो इस मामले के अंदर सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलना चाहूंगा। हम परिजनों से बात करें, इनकी जो भी मांगे चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था, पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम एक चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, डेढ़ कोटी पे हम राजनीति नहीं करना चाहते। मेरी दुर्भाग्य देखिए कोर्ट मार्टल में इनकी छानबीना किया और जलाने का प्रयास किया, अंतिम संस्कार भी करते हैं, ये गुंडा करके पुलिस को नहीं चलने देंगे। पुलिस में हमारा समाज नहीं, राजस्थान का सब समाज साथ है। आवश्यकता पड़ी तो 2 लाख लोगों की रैली भी जोधपुर के अंदर करेंगे और तमाम राजस्थान को ध्यान करके और अनिता के परिवार को 100% न्याय दिलाएंगे। मैं आ गया हूँ, अब किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा उनके पति पुत्र को, किन परिस्थितियों का भाई संपर्क कर, इनकी पूरी टीम हमारे समाज की जो है बैठी है, ये पहले दिन से बैठे एम से इनको खदेड़ दिया, दूसरी जगह जहाँ बैठे थे वहां से भी पुलिस ने जबरन इनको निकाला और अब मंदिर जो हमारी आस्था का प्रतीक है वहां भी पुलिस ने घुसने का प्रयास किया, जो कतई उचित नहीं है। इसके अंदर हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है, या तो सरकार हमारी सारी मांगे माने, दोषी पुलिस कर्मी और जो जो लोग हमको यहाँ से तत्काल हटाए सस्पेंड करें, उन परिजनों की सारी मांगे माने, नहीं तो सरकार के इंट से इंट बजा देंगे राजस्थान के अंदर। और इतने है ये जलजला आप देख रहे हो, ये जो जलजला आया अगर सड़क पर निकलोगे तो आपको पता क्या होना पड़ेगा।